मेरे साथ हैं किरण जी, जो कि अगर कहा जाए तो पर्दे पर सुम्बुल की मम्मी का किरदार निभाती है इमली में। सुम्बुल जी वेलकम टू फिल्म विंडो। ओ किरण जी वेलकम टू फिल्म विंडो। हो कैसी हैं सकता आप? है ये अभी सुम्बुल हर जगह छाई हुई है और मैं चाहती हूँ कि वो और तरक्की करे और सबके नाम, सबके जुबान पे सुम्बुल का ही नाम हो, जैसे अभी हुआ। यस, उसके फैंस भी यही जी चाहते हैं। और पता है जब बिग बॉस शुरू हुआ ना, हालांकि मैं टीवी मतलब नहीं देखती थी इमली, पर मैं जैसे ही कंटेस्टेंट के नाम आए, मैं सोशल मीडिया देख रही थी, तो मैं देख रही थी कि सुम्बुल को लेकर इतना तहलका मचा रहता था सोशल मीडिया पर। फिर मैंने जब उसके बारे में देखा पढ़ा तो मुझे पता चला सिर्फ एक 18 साल की एक्ट्रेस है जो कि इतना अच्छा कर रही है इंडस्ट्री में। जी 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 नहीं, वो बहुत उम्दा कलाकार है और बहुत मेहनती लड़की है और वो बहुत आगे बढ़े। आप बिग बॉस में जितना देख रही हैं, आपको कैसी लग रही है सुम्बुल? सुम्बुल अच्छा, मतलब कंसिस्टेंसी रखी है उसने खेलने में, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो और भी समझदारी से खेल सकती है और भी पार्टिसिपेशन अपना रख सकती है और आगे बढ़ सकती है। उसमें वो सारी काबिलियत है कि वो बहुत अच्छा खेले। आपने जहां बात की वो और पार्टिसिपेट कर सकती है, अच्छा खेले। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपको भी लगता है कि वो दो लोग, खासकर शालीन और टीना, इनकी वजह से अपने गेम को खराब कर चुकी हैं? मैं ये नहीं कहूंगी कि गेम को खराब कर चुकी हैं। हाँ, जब नए जगह पे जाते हैं और नए अलग 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 नए लोगों से मिलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि कौन आपका करीबी है, कौन किससे हमें बच के रहना चाहिए, किस कौन किस तरीके का स्ट्रैटेजी रख रहा है। तो बस मेरे ख्याल से वो इसी में जूझी हुई है कि जूझ रही है कि वो किसके साथ रहे, किसके साथ ना रहे, किसके किस पर भरोसा करे, किस पर भरोसा ना करे। तो और ये पार्ट ऑफ द गेम है, मुझे ऐसे लगता है। तो मुझे ऐसे इसीलिए मैं शुरू से ये कह रही हूँ कि उसको खुद को अपना गेम खेलना चाहिए, ना कि अदर पार्टिसिपेंट्स पे डिपेंड होना चाहिए कि उनके उनसे कुछ एनर्जी लेने के बजाय अपनी स्ट्रैटेजी वो खुद बनाए, वो ज्यादा अच्छा है। किरण जी, 2 बार जो है प्रीमियर के समय और उसके बाद सुम्बुल के पापा जो है वो पहुंचे थे बिग बॉस के सेट पर अपनी बेटी को समझाने के लिए। तो आपको लगता है कि सुम्बुल बहुत छोटी थी फिलहाल ये शो करने के लिए, या वाकई में वो भटक रही थी? मैं ये कहूंगी कि वो एक समझदार इंसान है, उसको समझ है चीजों की, लेकिन कभी-कभी इन्फ्लुएंस आप हो जाते हो किसी के बिहेवियर से, किसी की बातों से, और ये हर इंसान का ये होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुम्बुल की एज की वजह से वो भटक गई है, या ये हम नहीं कह सकते, हमारा भी होता है उसी तरह से। वो अब है, वो छोटी भी है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो ये खेल सकती है, इसीलिए उनको भटकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उन्हें बिल्कुल फोकस करना चाहिए और थोड़ा सा अवे होके देखना चाहिए कि कौन किस किस की क्या स्ट्रेटेजीज है, और उसके साथ साथ एंजॉय भी करना चाहिए, ताकि शायद उसके बाद वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगी, किसी आपने, चीज का हाँ, प्रेशर ना लेते हुए। आपने एज की बात की तो अपनी एज को लेकर सुम्बुल जो है खुद ही रोते हुए भी नजर आई शो में, बोलते हुए कि मुझे यहाँ सब बच्ची और छोटा समझते हैं, मुझे चीजें शेयर नहीं करते। तो क्या इस तरह की प्रॉब्लम जब वो आपके साथ थी इमली तब भी होती थी क्या? नहीं, ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है, और हालांकि शो एक अलग, एक फिक्शनल शो है ये, और वो एक नॉन फिक्शन शो है, तो इस ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि वो यहाँ पे ये कहती थी, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट मिलता है, आप लाइनें पढ़ते हो, एक अलग किरदार इमली का वो निभा रही थी, वहां पे सुम्बुल सुम्बुल है, तो इसलिए वो मन से उनको ऐसे लगता होगा कि मैं छोटी हूँ, मुझसे चीजें शेयर करनी चाहिए, और हर किसी को लगता है कि मेरे साथ भी चीजों को शेयर करना चाहिए, मुझे भी पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। छोटे बच्चे भी तो गेम खेलते हैं, तो कभी कभी रोते हुए आते हैं कि मुझे खेलने में पार्टिसिपेट नहीं किया मेरे दोस्तों ने, कि तक, और वो चाहते हैं कि उनको बड़ा एक ओहदा दिया जाए, तो बस Yes. यही बात है। बहुत बार लाइव फीड में हमने देखा कि वो फहमान को मिस करती हुई नजर आई। क्या हो कहेंगी सकता है वो, क्योंकि
हो सकता है वो बिल्कुल, क्योंकि इमली में फमान और सुंबुल का एक अलग एक केमिस्ट्री थी, एक इक्वेशन था, और पर्दे पर भी था, और वैसे भी वो बहुत अच्छे दोस्त हैं तो वो शेयर भी बहुत करते थे, और एक परिवार की तरह, एक अब जब एक शो करते हो और आप रोज मिलते हो और 12 12 17 17 घंटे साथ में काम करते हो, तो वो होता है कि आपको आदत हो जाती है, और फिर बाद में वो एक दूसरे शो में भी, स्टार परिवार में भी वो साथ में थे, तो एक के बाद एक दो लगातार प्रोजेक्ट्स में वो साथ में रहे हैं, और मेरे ख्याल से उसके तुरंत बाद सुम्बुल बिग बॉस में गई हैं, तो वो मिस करना जायज है उनका, और इट्स अ क्यूट मोमेंट एक्चुअली, शी इज मिसिंग हिम, एक मॉरल सपोर्ट, एक आदत सी हो जाती है, अभी 1 1.5 साल से काम कर रहे हैं साथ में. जब उस पापा गए स्टेज पर तब बहुत लोगों ने ये भी कहा, उसके बाद भी जो है सुम्बुल समझी नहीं और उसके बाद भी वो शालीन के पीछे पीछे थी, या कहा जाए कि शालीन को अपना दोस्त ही मानती थी, तो लोगों ने बोला कि सुम्बुल में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, उसको इतनी छोटी बात समझ क्यों नहीं आती कि वो जो है उसको इग्नोर कर रहा है, तो उसे ये बात समझनी चाहिए। आप इन सारी चीजों को कैसे देखती हैं, क्योंकि आप सुम्बुल को आपने इतने सालों तक बहुत करीब से देखा है, तो आप इन सारी इक्वेशंस को किस तरीके से देखती हैं कि वाकई में शालीन ने किया गलत सुम्बुल के साथ, या सुम्बुल एक दोस्त ढूंढ रही थी? मुझे ऐसा लगता है कि हम जब शो देखते हैं, जब ऑन एयर आता है, तब हम सिर्फ एक चंक देखते हैं उसमें से, लेकिन वो वहां पे 24/7 साथ में रह रहे हैं, और हमें नहीं पता कि उनकी क्या एक्चुअल बातचीत है क्या नहीं. जो हम देखते हैं उससे तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वो उनके पीछे पीछे है या जो भी है, लेकिन शायद वो उनकी स्ट्रेटेजी भी हो खेलने की, हाँ, सुम्बुल की, तो ट्रू। हमें ये भी थोड़ा सा इस एंगल से भी सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ ये बोलना चाहिए कि नहीं, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या, उनको तो समझाया गया है. हाँ, समझाया गया है, और वो उसको पकड़ के आगे बढ़ सकती है, लेकिन ये उनकी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, वी डोंट नो, दैट टाइम विल टेल. अगर आपने कल का एपिसोड देखा होगा तो एक बार फिर से जब सुम्बुल के नॉमिनेशन की बात आई तो शालीन शिव को सेव करना चाह रहे थे, सुम्बुल को नहीं। तो आपको लगता है उसके दोस्तों से उसे धोखा मिल रहा है? मैं बार बार यही कहूंगी कि एक तो क्या है, जैसे देखा जाए तो सब दोस्त है और कोई भी दोस्त नहीं, क्योंकि सारे कंटेस्टेंट्स हैं वहां पे, तो ये हमें बार बार सो, ये हर कंटेस्टेंट ने बार बार अपने आप को रिपीट करना चाहिए, प्लस हमें भी ये सोचना चाहिए कि फैमिली नहीं है, दे आर कंटेस्टेंट, दे ऑल आर प्लेइंग गेम ओवर देयर, तो हर एक का अपना अपना स्ट्रेटेजी है, हर एक को आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा समय तक बिग बॉस के घर में रहना है, तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, शालीन को ये करना चाहिए था, सुमूल को ये नहीं करना चाहिए था, या ये नहीं, उन्होंने ऐसे क्यों किया, ये सब अलग चीजें हैं. हो सकता है कि शालीन की वो स्ट्रेटेजी हो कि किसको क्या करना है और क्या नहीं. मुझे मालूम है आप सेट पर हैं, आपका शूट का भी टाइम हो गया, तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि आपको क्या हाँ, लगता है कि एक किसके सेकेंड साथ, होल्ड कर. हाँ, सॉरी, कोई बात नहीं, सुम्बुल को किसके साथ जो है दोस्ती बनानी चाहिए गेम में आगे बढ़ने के लिए, या किसका साथ रखना चाहिए? दोस्ती तो यहाँ किसी के साथ नहीं होती, किसकी संगत उसके लिए अच्छी रहेगी? आपको लगता है कि धोखा नहीं मिलेगा एटलीस्ट? खुद की, उसको खुद की संगत रखनी चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि उसकी अगली उसकी सॉरी हाँ, तो उसको खुद की संगत रखनी चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि उसको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है क्या नहीं रखनी है, और सामने वाला चाहे अगर कोई आके ये बोलता भी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि वो क्यों साथ दे रहा है, उसमें उसका क्या फायदा है, मेरा क्या फायदा है, और ये साथ हमें आगे लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, तो ये उनको सोचना चाहिए, तो उसको खुद का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि वो आखिर तक अपने साथ ही आगे चलेंगे. वेरी ट्रू। आपको लगता है फमान को जाना चाहिए? फैंस तो डिमांड कर रहे हैं, खबर भी आई थी कि वो जाएंगे। ज्यादा ये तो मैं नहीं कह सकती, ये बहुत पर्सनल डिसीजन है किसी का कि चाहिए उनको क्या? आप जाना देखना चाहिए कि चाहेंगे? नहीं जाना चाहिए. ये मैं बिल्कुल, मतलब कहना मेरा लाजमी नहीं है कि उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनके अदर प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें होती है. हाँ, और लेकिन जाके ही हम मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी यहाँ बैठ के सुमूल के बहुत सारे फैंस हैं,
वो भी बाहर से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हर कोई जाने लगा तो बिग बॉस के घर में बिग बॉस को बहुत तकलीफ देंगे हम सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, तो हम मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं बाहर से। यस, थैंक यू किरण जी, आपने समय निकाला, थैंक्स अ लॉट, मैं आपके साथ फिर से थैंक यू सो जुड़ूंगी, मच, थैंक यू, बिल्कुल, थैंक यू, हैप्पी थैंक्स, दिवाली। हैप्पी दिवाली।